కేంద్రంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పరిపాలన రాష్ట్రంలో మేధావులు రచించిన రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరుస్తున్నారని అత్యధిక ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కలిగిన పార్టీ బీజేపీ దళితుల అభివృద్ధి బీజేపీ పార్టీతోనే సాధ్యమని బీజేపీ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ఆర్పి సింగ్ పేర్కొన్నారు. షాద్నగర్ నియోజకవర్గానికి 3 రోజుల పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎస్సీ మోర్చా మండల ప్రధాన కార్యదర్శి అంతిగారి నరేష్ ఇంట్లో టీ తాగి వారి కుటుంబ సభ్యులతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి పదవికి దళితులు అర్హులు కారా అని కేసీఆర్ ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఎన్ని విధాలుగా దళితులను మోసం చేస్తావు అని ప్రశ్నించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ పార్టీ రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఎంకనోళ్ల వెంకటేష్, అంతిగారి శివ, ఎలికట్ట గ్రామ యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సార్ సామె వైర్ ఇది अभी हमारे छात्र ने स्टेट फर्स्ट रैंक कल आया, स्टेट जो इंटरमीडिएट का फर्स्ट रैंक मार्क रहता है वो छात्र में भी आया. अच्छा, वाह. अभी सब लोग का गैस पे कर रहे हैं तो लकड़ी पे అశోక తింటాను ఫోటో. ये इसको यहाँ से निकालो तो अखबार आएगा, तो अखबार नहीं आएगा. 1992 मैं 21 दिन वहीं रहा. कैसे रहा कह रहा हूँ अलग बात है. 92 में मिलिटेंसी पीक पे थी कश्मीर में, श्रीनगर में. हिजबुल्लाह से बातचीत करी अखबार के नाते से और अखबार से प्रतिबंध हटवाया बिना उनकी शर्त माने. उनकी जॉर्ज जोसफ वहाँ पे रहा लगभग 3 साल वहाँ रहा उसके बाद. और आशा खोसा उसकी पत्नी भी वहाँ. आज लोग बात करते ना
प्रेस की आज़ादी और व्यक्ति की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जान पर खेल कर किसी की है तो पता नहीं आपने से कितनों को याद होगा। राजीव गांधी एक बार पोस्टल बिल लेकर आया कि आप मतलब क्या बहुत कल वैसे वैसे काम आएंगे कि आप कहीं कैसे कैसे काम करता है। पोस्टल बिल लेकर आया था राजीव गांधी, पोस्टल बिल बोले तो उन दिनों तो इंटरनेट नहीं होता सर, मतलब चिट्ठी आती थी वो आपकी डाक को बीच में रोक कर देख सकते हैं कि आपकी डाक क्या है क्या है और उसको छिटाई करते थे। उसकी लड़ाई भी लड़ी और पोस्टल बिल हटाया। मैं रामनाथ गोयनका जी बड़े दिग्गज थे, मतलब पत्रकारिता का दुनिया में सबसे बड़ा नाम है रामनाथ गोयनका जी, या तो वो उसकी उम्र तब भी अच्छी उम्र थी, वो उन्होंने बड़ा एक प्रदर्शन जो आज की परिस्थिति है उसमें चिंता कर रही है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, इसलिए इसी चलते कम किए सेंट्रल ने, स्टेट ने नहीं किया बजट, आपके राज्य ने नहीं किया बजट, आपके राज्य का पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों से महंगा है, आपका और यहाँ का और महाराष्ट्र का हो जाएगा ठीक क्योंकि सरकार बदल गई वहाँ पर, ये तो तेलंगाना महाराष्ट्र और क्या कहते हैं राजस्थान सबसे ज़्यादा थे रही, तो दिक्कत है तो उस दिक्कत को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री तो वर्सेस नहीं हो सकता, आवाम तो सबके लिए बराबर है, आवाम की चिंता सबको करने की जरूरत है, आवाम की चिंता सिर्फ केंद्र की चिंता नहीं है, केंद्र तो अपने सबसे जो स्कीम ला सकती है अगर केंद्र काम कर सकती है तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो खैर मैं हूँ पीछे भी लंबी चर्चा हो सकती है। मैं तो आज मुनिता आपसे एक एक करके एक एक नाम पूछ कर कहाँ का कौन सा अखबार है, कहाँ का क्या क्या करते हैं या कौन सा टीवी चैनल है, ताकि फिर एक बार फोन नंबर एक्सचेंज कर लेंगे तो यार मेरे को भी सुविधा रहेगी आपको भी सुविधा रहेगी। डॉक्टर कुमार से तो आज पहला दौर है और इसलिए मैंने इनको कहा था, इसलिए मैं इधर आकर बैठ गया, वहाँ बैठता हूँ तो माइक लगा कर बैठना पड़ता है, यहाँ जरा गपशप हो जाएगी।